दिल्ली 23 मार्च को हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह की शहादत हुई थी। हमारी यात्रा 29 राज्य 90 दिन और 25,000 किलोमीटर, अभी तक 18,500 किलोमीटर और आज हमें 86 दिन हमें हो चुके हैं इस यात्रा को, और कम से कम 27 राज्य हम पूर्ण कर चुके हैं। इस यात्रा का एक ही मकसद, जितने भी शहीद हुए, चाहे क्रांतिकारी शहीद, चाहे सेना के शहीद, जो भी देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाने के लिए हमारा संगठन निकला है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं, जैसे जलियांवाला बाग हम पहुँचे, यहाँ से पवित्र मिट्टी लेके हम शहीद आजम भगत सिंह की एक बड़ी स्टैचू, जो कम से कम 100 फीट की होगी, ऐतिहासिक स्टैचू होगी, स्टैचू के साथ साथ वहाँ पे हम स्मारक भी बनाएंगे। स्मारक में जितने भी शहीद हुए हैं, कि पूरे हम हिंदुस्तान में घूमे, नॉर्थ के बहुत सारे शहीद हुए, साउथ में बहुत सारे शहीद हुए, तो उनके बारे में हमें नहीं पता है, तो वहाँ स्मारक हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी शहीद उनके बारे में वहाँ बताया जाएगा। ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है और सारे नौजवानों ने मिलकर यात्रा करी है और इनके अलग हम जगाते रहेंगे शहीदों का। जी, हम जम्मू पहुंचे तो वहाँ पर हमें आगे जाने से रोका श्रीनगर में, जिस तरह के हालात थे वहाँ पर, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि आप यात्रा आगे जाके निकले, तो उन्होंने पूरे मान सम्मान से हमें वहाँ पर रोका और उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे कि आप आगे ना जाएं, कि हमारा तो ये रिक्वेस्ट है। तो हम वहाँ रुक के उनके बाद हम अमृतसर निकले। हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को खाली एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी शहीद हुए हैं और जितने भी शहीद परिवार होते हैं, आप उनका सम्मान करें, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, आप उनका कहें ना कि आपको सपोर्ट करें, सम्मान करें और उनके साथ खड़े रहें।